तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, स्पेशली फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने वहीं से क्वेश्चन उठाए हैं, तो कैसे हम एग्जाम में इनको सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ही ड्रो फ्रॉम महाराष्ट्र खालिस्तान कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग द रेस्ट, विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। ही ड्रो फ्रॉम महाराष्ट्र खालिस्तान कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, यानी वो महाराष्ट्र से कर्नाटका गए बिना कार को रोके, ठीक है, आराम करने के लिए। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आएगा, कौन सी प्रीपोजिशन इसकी खालिस्तान है वो वहां पर आएगी, इच प्रीपोजिशन आएगी, या बी ऑप्शन है टू प्रीपोजिशन आएगी, या सी ऑप्शन इन टू आएगी, या डी ऑप्शन टुवर्ड्स आएगी। तो देखिए, हमें दिख रहा है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान गया, यानी फ्रॉम के बाद हमें पता है कि मतलब टू प्रीपोजिशन आती है, ठीक है। तो वैसे इसका आसान होगा, वैसे इसका आंसर होगा बी टू, यानी फ्रॉम, फ्रॉम टू का क्या है, जोड़े के रूप में यूज होती है फ्रॉम टू, ठीक है, यानी वह महाराष्ट्र से कर्नाटका तक गया कार को बिना रोके, यानी कार को बिना रोके आराम करने के लिए, कार को बिना रोके वह महाराष्ट्र से कर्नाटक गया बिना किसी आराम किए कार को रोके, ठीक है। तो ये वो क्या कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है, वो महाराष्ट्र से कर्नाटका जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका। यानी अगर जैसे मैं कहूं कि आई आई डू स्टडी फ्रॉम 10 PM टू 7 PM, ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि दो टाइम लिमिट होती है उनको दर्शाने के लिए हम फ्रॉम के साथ टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, टू आएगा। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो, बिल्स फाइट हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल्स, शिकार कंपनीज पुट आउट ऑफ जॉब, ठीक है, पुट आउट ऑफ जॉब, पुट आउट का मीन्स होता है स्थगित कर देना, या इसका पुट आउट भी चाहिए, जैसे आग लगी हुई, फायर लगी हुई, आग उसको बुझाने को भी लेकर पुट आउट का यूज करते हैं। यानी शिकार कंपनी कौन सी होती है, जो पीने के शिकार नहीं आती है, जिसको सिगरेट वगैरह के रूप में आती है शिकार, उसको पीने वाली जो कंपनियां होती है जो शिकार बनाती है, वो क्या होगी, आउट ऑफ जॉब, आउट ऑफ जॉब कर दिया उनको। या फिर लेकिन यहां पर जो शिकार का अर्थ हो रहा है, वो शिकार वो है जो कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो जानवरों को शिकार करती है, और उनकी जो मांस वगैरह होती है, जो उसकी खाल वगैरह होती है, उनको वो निकाल कर जैसे जूते चप्पल आदि ये चीजें बनाती हैं, तो वो शिकार कंपनी क्या कर दी है, आउट ऑफ जॉब हो गई, यानी उनका क्या जॉब बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि बिल्स फाइट अगेंस्ट, यानी ऐसा बिल जो अगेंस्ट है हंटिंग के, यानी शिकार करने के अगेंस्ट ऐसा बिल है जो हंटिंग के अगेंस्ट बिल है, तो उससे क्या हुआ कि जो 26 प्रोफेशनल शिकार कंपनीज थी, 26 जो व्यावसायिक कंपनियां थी शिकार करने वाली, वो जॉब रहित होगी। तो यहां पर क्या आएगा, अगेंस्ट आएगा, यानी जो फाइट होती है वो किसी की अगेंस्ट ही होती है, यानी यहां पर फाइट हो रही है अगेंस्ट हो रही है हंटिंग की, यानी अगेंस्ट मीन्स क्या होता है, के विरुद्ध। तो बेस्ट सुटेबल जो आंसर होगा वो अगेंस्ट होगा, टुवर्ड्स होगा नहीं, टुवर्ड्स मीन्स होता है जैसे मैं कहूंगी आई एम गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मैं नॉर्थ दिशा की ओर जा रहा हूँ, यानी की ओर के अर्थ में हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर नहीं सूट हो रहा है ऑप्शन में। फोर का जो यूज होता है वो के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। ओवर का मीन्स होता है किसी चीज के ऊपर, जैसे जैसे मैं कहूं कि मेरे सर के ऊपर क्या है, छत है, कि देयर इज ए रूफ ओवर माई हेड, तो यहां पर ओवर मीन्स ऊपर के अर्थ में होता है, तो ये भी यहां पर इसका आंसर नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है अगेंस्ट, वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए, वी मीट ए लॉट ऑफ पीपल खाली स्थान ओवर हॉलीडेज, तो देखिए वी मीट ए लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, ड्यूरिंग ओवर हॉलीडेज, यानी हमारे हॉलीडेज के दौरान हम बहुत से लोगों से मिले, ठीक है, मीट यहाँ पर क्या काम पर है, मुख्य सिविल फॉर्म काम कर रहा है, यानी वो पास्ट की बात कर रहा है, यानी वो बोला कि हमारे हॉलीडेज के दौरान, हमारी छुट्टियों के दौरान हम लोग बहुत से लोगों से मिले। ऑन होगा नहीं, ऑन मीन्स के ऊपर के अर्थ में होता है, इन भी नहीं होगा और नहीं एट होगा, एट का एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं छोटे स्थानों के नाम के पहले, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आई लिव एट, जैसे मैं विलेज के नाम लू आई लिव एट बनवास, आई लिव एट जजारा, यानी जो छोटे स्थान होते हैं उनके नाम के पहले मैं एट का प्रीपोजिशन करते हूँ, जो बड़े स्थान होते हैं उनके नाम के पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आई लिव
आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन जयपुर, तो बड़े स्थानों के नाम के पहले हम इनके यूज करते हैं, ठीक है। ओन प्रीपोजिशन की बात से जितने भी वीक्स होते हैं, जैसे ओन फ्राइडे, ओन मंडे, ओन ट्यूजडे, उनके पहले हम किसका यूज करते हैं, ओन प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ओन संडे, ओन मंडे, ओन ट्यूजडे, उनके पहले, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर ड्रो क्या है, ड्रो वर्ब है, तो ड्राइव की क्या है सेकंड फॉर्म, ड्राइव, ड्रो, ड्राइवन, यानी मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ड्रो होगा, ड्राइव मीन्स क्या होता है, ड्राइव मीन्स क्या होता है, वाहन आदि को चलाना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही इज एडिकेटेड खाली स्थान स्मोकिंग, तो हमें बताना है कि खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा प्रीपोजिशन आएगी, ए ऑप्शन है टू, बी ऑप्शन है विद, सी ऑप्शन है ऑन एंड डी ऑप्शन है टू। देखिए एडिकेटेड मीन्स क्या होता है, आदि होना किस चीज का, क्या होता है आदि होना, यानी किस चीज का आदि होना, जैसे कोई व्यक्ति है वो स्मोकिंग का एडिकेटेड है, यानी हम अक्सर कहते हैं ही इज एडिकेटेड टू स्मोकिंग, यानी वो स्मोकिंग का आदि है, तो यानी एडिकेटेड वर्ड क्या है, टू प्रीपोजिशन आएगी यहां पर, यानी ही इज एडिकेटेड टू स्मोकिंग, यानी किसी भी चीज का अगर कोई आदि होगा तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे मैं कहूं कि एक कस्टम्ड है, एक वर्ड है एक कस्टम्ड, एक कस्टम्ड मीन्स क्या होता है, आदि होना होता है, तो इसके बाद भी हमेशा टू प्रीपोजिशन ही आएगी, यानी ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है जो फिक्स वर्ड की बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पर एडिकेटेड क्या है, वर्ब है, तो इसके साथ क्या आएगी, हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगी, ये फिक्स्ड है। एक कस्टम्ड होता है, एक कस्टम्ड मीन्स भी होता है आदि होना, इसके साथ भी हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगी, ठीक है। एक होता है हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड मीन्स भी होता है आदि होना, इसके साथ भी हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगी, यानी सबका अर्थ होता है आदि होना, और इन सबके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगी, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, इसको आप याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ही सेट खालिस्तान द साइड ऑफ ए ट्री, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा, तो देखिए ही सेट अंडर द साइड ऑफ ए ट्री, यानी वो क्या है, एक पेड़ की छाया के नीचे बैठा है, ही सेट अंडर द साइड ऑफ ए ट्री, वह पेड़ की छाया के नीचे बैठा है। इनटू होगा नहीं, इनटू क्यों नहीं होगा, देखिए इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहां करते हैं, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर किसी चीज का प्रयोजन होता है तो हम वहां पर इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं कि मिल्क टर्न इनटू कर्ड, मिल्क है वो दही में बदल गया, यानी ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी, यानी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करे, यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए हम इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग इसके अलावा हम जैसे भीतर की ओर गति दर्शाने के लिए करते हैं, जैसे जैसे मैं कहूंगी द फॉग जंप्ड इनटू द वॉल, जो मेंढक है वो वॉल के अंदर क्या कूद गया, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए फॉग का इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इनका यूज होगा नहीं, इन प्रीपोजिशन का, इनका प्रयोग कहां-कहां करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, बड़े प्लेस, बड़े स्थानों के नाम के पहले करते हैं, जैसे आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन दिल्ली, तो ये भी नहीं होगा। ओन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है के ऊपर या के या ऊपर के अर्थ में होता है, जैसे मैं कहूँ कि दिस बुक इज ऑन द टेबल, या बुक है वो कहाँ, टेबल के ऊपर है, ठीक है। या फिर जितने भी वीक्स होते हैं, जैसे वीक डेज होते हैं, जैसे मंडे, ऑन ट्यूजडे, ऑन फ्राइडे, उनके पहले भी हम ओन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए व्हेन विल यू हैंड योर असाइनमेंट, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। व्हेन विल यू हैंड योर असाइनमेंट, असाइनमेंट होता है जैसे कोई काम कर किसी को सौंपा जाए उसको हम असाइनमेंट बोलते हैं। जैसे हम सब कॉलेज में होते तो हमें कोई प्रोजेक्ट करना होता था, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा असाइनमेंट होता था, होमवर्क होता था। तो व्हेन विल यू हैंड इन यहाँ पे इसका आंसर हैंड इन हो जाएगा। देखिए हैंड इन क्या होता है, सौंपना, ठीक है, सुपुर्द करना, यानी सौंपना है सुपुर्द करना, यानी किसी काम को अपने को कुछ काम दिया गया है उसको अपने करके उसको क्या करना, हैंड इन करना होता है वापस उस काम को। देखिए हैंड बैग मीन्स होता है, हैंड बैग मीन्स होता है किसी को लौटाना, जैसे मेरे से किसी ने कुछ चीज ली और उसने मुझे वापस वो हैंड बैग कर दी, उसको लौटा दी। हैंड डाउन मीन्स होता है, हैंड डाउन मीन्स क्या होता है कि जैसे पुलिस हमेशा क्रिमिनल से कहती है कि हैंड डाउन, यानी अपने हाथ क्या कर लो, नीचे कर लो, तो हैंड डाउन मीन्स क्या होता है, नीचे करना। हैंड मीट, हैंड इनटू मीन्स होता है शामिल होना किसी चीज के अंदर, जैसे
किसी मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना होता है, हम बोलते हैं हैंड इनटू द मीटिंग, तो मीन शामिल होना। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा हैंड इन मीन्स सुपुर्द करना है, सौंपना किसी असाइनमेंट को करके, किसी वर्क को करके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है देयर इज अ ब्रिज खालिस्तान द रिवर, तो हमें पता है देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर होगा, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। देखिए यानी रिवर के ऊपर क्या है, ब्रिज है, यानी ओवर का प्रयोग हम क्या करते हैं, ऊपर के अर्थ में करते हैं। जैसे मैं कहूं कि देयर इज अ रूफ ओवर माई हेड, तो मेरे सर के ऊपर क्या है, रूफ है, छत है, यानी उसने रूफ ने क्या किया है, मेरे सर को टच नहीं किया है। तो ओवर का प्रयोग हम उसी अर्थ में करते हैं, के ऊपर के अर्थ में करते हैं, लेकिन जो वस्तु होगी ना उसको टच नहीं करेगी। जैसे यहाँ पर देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, यानी रिवर के ऊपर ब्रिज है लेकिन वो रिवर को टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमेशा ओवर का यूज करेंगे हम। ओन का प्रयोग के ऊपर के अर्थ में करते हैं हम, लेकिन वो वस्तु क्या होगी, टच कर रही होगी। जैसे मैं कहूंगी कि टेबल के ऊपर बुक रखी है, तो वो बुक क्या कर रही है, उसको टच कर रही है, तो वहां पर हम ओन का यूज करेंगे। अगर टच नहीं कर रही है तो वहां पर ओवर का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए रिवर को ब्रिज टच नहीं कर रहा है, मेरे सर के ऊपर छत है, मेरे सर को छत टच नहीं कर रहा, तो हम ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, डाउन होगा, डाउन का नीचे के अर्थ में होता है, अक्रॉस भी नहीं होगा। देखिए अक्रॉस मीन्स क्या होता है, जैसे मैं कहूंगी सचिन विराट स्ट्राइक द बॉल एंड इट वेंट अक्रॉस द ग्राउंड, यानी विराट ने क्या है बॉल को मारा और वो क्या ग्राउंड से बाहर चले गए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसको क्रॉस करके। ठीक है,